नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट ME 301 में यूनिट 4, जिसका टाइटल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स में, जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है उसी में कंटिन्यू करते हुए थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज रोटरी कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम और देखते हैं रोटरी कंप्रेसर के बारे में। तो रोटरी कंप्रेसर जो है उसमें मेन टू एलिमेंट्स होते हैं गियर की तरह, जिनके बीच में जैसे दो गियर मैच करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे मैटिंग पार्ट होते हैं तो वो एक दूसरे से मैच कर पाते हैं। सिमिलरली इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं और उन दो पार्ट्स के बीच में जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेसर जो है वो लोअर और मॉडरेट कंप्रेसिंग टेम्परेचर प्रेशर तक रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। ये जो कंप्रेसर हैं वो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गैस और जो कम प्रेशर तक काम कर सकते हैं। बहुत कम एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। ये जो स्मॉल पावर की कूलिंग डिवाइसेज हैं, जैसे कि विंडो एसी जो है उसमें, या पैकेज टर्मिनल एसी आते हैं उनमें, या फिर हीट पंप अप टू द 5 टन्स, 5 टन के हीट पंप तक इन कंप्रेसर्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी कम जगह इन्हें यूज़ किया जाता है। ऑल्दो इन्हें यूज़ तो किया ही जाता है, इसलिए हम इनके मैकेनिज्म पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो इनके जो दो मेन टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर होते हैं उसमें क्या होता है, एक में तो इनमें क्या होता है, इन कंप्रेसर में ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, रोटर पे ब्लेड होती है। तो इन दो कंप्रेसर इसमें वेरिएशन होते हैं, एक में जो ब्लेड्स होती है वो स्टेशनरी होती है और दूसरे में जो ब्लेड होती है वो रोटेटिंग होती है। ब्लैक ब्लेड जिसे स्कैपुला भी बोलते हैं, तो रोटेटिंग ब्लेड जो है रोटरी कंप्रेसर की वो हमेशा शाफ्ट के साथ साथ जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करेगा वैसे वैसे जो रोटेटिंग ब्लेड है वो भी रोटेट करेगी, लेकिन स्टेशनरी ब्लेड जो है उसमें ब्लेड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट फिक्स रहती है, स्टेशनरी रहती है, ठीक है, उसमें फिक्स रहेगी। और जो बॉडी का पार्ट होता है, जैसे बॉडी का बॉडी जैसे आपकी फिक्स रहती है उसी तरीके से तो उसी में ब्लेड लगी होती है और वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो और दोनों ही टाइप के ब्लेड में जो है वहाँ पे प्रेशराइजेशन होता है रेफ्रिजरेंट का। रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ कंप्रेसर आर ऑफन यूज्ड एज बूस्टर कंप्रेसर कैस्केड सिस्टम। कई बार ये बूस्टर कंप्रेसर कैस्केड सिस्टम की तरह भी यूज की जाती है, और जो ये नेम है वो फर्स्ट कंप्रेसर कैस्केड सिस्टम का दिया गया था, बूस्टर कंप्रेसर कैस्केड सिस्टम। कैस्केड का सिंपली मतलब यही है कि एक दो रोटरी कंप्रेसर को आप सीरीज में लगा दो, ठीक है, एक का जो आउटपुट है वो दूसरे में इनपुट कर दो, तो इस तरीके से जो लास्ट रिजल्ट मिलता है कैस्केडिंग से वो हायर प्रेशर मिलता है, तो इसको बूस्टर कंप्रेसर कैस्केड सिस्टम भी कह सकते हैं। ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो अब हम इसकी देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ डायग्राम से दिखाया गया है कि ये यहाँ पे ये रोटर होता है, रोटर में यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, और ये ब्लेड्स हैं और यहाँ से एयर जो है वो आपकी इनलेट होती है, ठीक है। अब इसका आप सेक्शन व्यू अगर देखना चाहे तो देखिए किस तरीके से होता है। इधर से मान लीजिए सक्शन हो रहा है इसका, तो सक्शन होके इस तरीके से ये रोटेट करेगी। ये जो है आपका, ये है आपकी ब्लेड्स हैं, ये आपका रोटर है, ये रोटेट कर रहा है आपका रोटर, और ये आपका सिलेंडर जो है वो फिक्स रहता है, सिलेंडर फिक्स है, और ये जो अंदर है ये रोटर है, ये रोटेट रोटेट करा और इस पे ब्लेड्स है, और इधर से रोटेशन होने के बाद प्रेशराइज होकर उधर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन अब हम देखते हैं कि इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए इसके ऑपरेशन में क्या होता है जनरली कि जो आप ये डायग्राम देखिए ये है सक्शन पोर्ट, ठीक है, सक्शन इंटेक, यहाँ से आपका जो है सक्शन इंटेक शुरू होता है, वेन
इन्हें ब्लेड कहते हैं, वेन सी ब्लेड होती है, ठीक है। तो क्या होता है जनरली कि मान लीजिए इस तरीके से रोटर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो आपका क्या होगा कि लो वेपर प्रेशर ऑफ द सक्शन लाइन इज ड्रोन इनटू द होल। क्या होता है कि जो लो प्रेशर की जो हवा है, जनरली लो प्रेशर पे ही आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, वो सक्शन लाइन पे यहाँ पे अंदर आती है, अंदर खींची जाती है, ठीक है, क्योंकि सक्शन क्रिएट हो जाता है जनरली। तो जैसे जैसे मूव करते सक्शन क्रिएट होता रहता है, क्योंकि यहाँ एरिया बढ़ रहा है, प्रेशर कम है तो सक्शन क्रिएट हो गई। तो जैसे जैसे ये वेन्स, जैसे जैसे ये रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वेन्स इस तरफ आएगी, धीरे धीरे रोटेट करते तो यहाँ सक्शन क्रिएट होगा धीरे धीरे, और सक्शन क्रिएट होने के वजह से सक्शन पोर्ट से जो है एयर वो सिलेंडर में आने लग जाए, ठीक है। ये देखो दिखा रहा है लो प्रेशर वेपर, ठीक है। सक्शन इनटेक जैसे जैसे वेन्स इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें सक्शन कंटिन्यू हो रहा है और एयर अंदर आती जा रही है, ठीक है। और सक्शन इनटेक इस तरीके से हाफ रोटेशन होने पर इस तरीके से इनटेक बंद भी हो जाता है, वेन यहाँ पहुँचती है, और उसी टाइम सिमिलरली जब जब सक्शन हो रहा है उसी टाइम कंप्रेशन भी कंटिन्यू चलता ही रहता है, और यहाँ पे कम कंप्रेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट ब्लेड का मूवमेंट यहाँ बढ़ता है, आप देख रहे हो यहाँ एरिया बहुत कम हो जाता है। तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स तो लग ही रहा है रोटर की वजह से, पर एरिया और कम हो रहा है, तो एरिया जैसे जैसे कम हो रहा है यहाँ काफ़ी प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ये देखिए। तो जैसे ही यहाँ पे आने लगती है तब ये आपका अपने आप ही रोटर के मूवमेंट की वजह से, जैसे ही रोटर इधर चला जाता है तो अपने आप जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है तो यहाँ पे प्रेशराइज्ड जो आपकी एयर है वो इधर से धीरे धीरे निकलने लग जाती है, और धीरे धीरे निकलते हुए भी वो प्रेशराइज होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रोसेसिंग सिंपल ही है, ज़्यादा दिखने में मतलब समझने में सिंपल है, पर वैसे मैकेनिज्म काफ़ी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको अच्छे से समझिए आप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल करके मैंने आपको समझाया है। चलिए अब हम इसके, ये हमने प्रोसेसिंग देख ली, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है। दे कैन डिलीवर, एडवांटेजेस में क्या है, दे कैन डिलीवर लिक्विड टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर तक भी दे सकते हैं ये लिक्विड। अच्छा ध्यान रखिएगा ये मेनली लिक्विड के कंप्रेशन में काम में आ रहा है, ठीक है। और गिव अ रिलेटिवली स्मूथ आउटपुट स्पेशली एट हाई स्पीड, क्या होता है कि इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं तो इसलिए जो इसका आउटपुट है वो काफ़ी स्मूथ आता है, और पॉजिटिव एक्टिंग है इसके मूवमेंट की वजह से जो है इसको हमेशा पॉजिटिव एक्टिंग ही बोला जाता है। और कैन पंप विस्कस लिक्विड्स, जो विस्कस है उन लिक्विड्स उनको भी पंप कर सकता है, लेकिन ये लिक्विड्स को ही पंप करेगा, ध्यान रखिएगा। स्मॉल साइज कंप्रेसर कैन प्रोड्यूस हाई फ्लो रेट, छोटे साइज के कंप्रेसर भी हाई फ्लो रेट दे सकते हैं, लेस वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मूविंग पार्ट्स हैं ही नहीं, दो ही मेन पार्ट्स हैं, और लीकेज भी यहाँ पे होने के चांसेस कम हो रहते हैं, तो लो लीकेज नहीं हो सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है इसके साथ जुड़े हुए, वो देखते हैं क्या है कि तो ये मोर एक्सपेंसिव है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि जो इसके जो दो पार्ट्स हैं वो भी बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन करने पड़ते हैं, और उनकी वियर और टीयर और ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें जो मटेरियल लगता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और स्पेसिफिकली बनाया जाता है, इसलिए थोड़े से महंगे तो होते ही हैं। और ये उन फ्लूड्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता जिनमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स होंगे उसमें तो उसकी वजह से रोटर पे वियर एंड टीयर हो जाएगा, इसलिए उससे यूज़ नहीं किया जाता है। एक्सेसिव वियर इफ़ नॉट पंपिंग विस्कस मटेरियल, अगर इसमें विस्कस मटेरियल नहीं दिया गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर हो सकता है, और ये कभी भी क्लोज डिस्चार्ज के साथ यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, जो इसका डिस्चार्ज है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर डर्टी एनवायरनमेंट, डर्टी एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा क्योंकि क्लॉग हो जाएगा, वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो जाएगा, और इसका लास्ट जो डिसएडवांटेज है ये है कि इसकी लाइफ टाइम जो है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये जो लेक्चर था वो था हमारा रोटरी कंप्रेसर के बारे में, आई होप आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा हो। तो ये रोटरी कंप्रेसर इसके साथ एंड होता है, और इसके अगले लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट कंप्रेसर देखेंगे कि नेक्स्ट कंप्रेसर की वर्किंग क्या है,
डायग्रामेटिकली समझेंगे किस तरीके से वो काम करता है, एप्लीकेशंस क्या है उसकी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं।